Hello dear friends, I hope you would be fine. Today I have a new job notification for you. It is about the Punjab State Cooperative Bank. Before going to start this video, if you are watching my video first time, then it is important to mention here that this channel is made to update you about jobs and admission. Plus, I am here providing you a right career counseling as well as guidance. Friends, you will study more efficiently only when you have right career counseling. So stay connected with me by clicking on subscriber button. I will make your journey more comfortable. So let us discuss about this notification. Friends, yahan pe Punjab Cooperative Bank Limited ne kuch vacancies nikali hai. So let us discuss. So first is senior manager, number of vacancies 40. इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है विद 50%. अगर आप ग्रेजुएट हो विद 55% मार्क्स, स्टिल यू कैन अप्लाई, राइट? आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए वगैरह हो. वन मोर इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज़ मैंडेटरी हियर दैट जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा तो उसमें उसको पंजाबी लैंग्वेज 10th तक उसने यानी पास की होगी, देन ओनली ही कैन अप्लाई. अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसमें कुछ छूट दिया गया है. अगर आप आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको पंजाबी लैंग्वेज एट मैट्रिक लेवल क्वालिफाई करनी होगी विद इन 2 years, सो इसमें छूट हैं. तो इसमें वन मोर कंडीशन है कि कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, राइट? सो नेक्स्ट डिजिग्नेशन इज़ मैनेजर. मैनेजर के लिए 60 पोस्ट्स हैं. आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स ज़रूरी होना चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स कैन आल्सो अप्लाई. ग्रेजुएशन और आपका पंजाबी लैंग्वेज मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ी होगी, देन ओनली यू कैन अप्लाई. इसमें कुछ छूट नहीं है. तो नेक्स्ट पोस्ट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर. इसमें भी 50% मार्क्स होनी चाहिए, एमसीए या एमएससी. इसमें बाकी ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बस एमसीए और एमएससी आईटी. प्लस इसमें बीटेक के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 55% परसेंटेज होगी. तो कैंडिडेट का पंजाबी एग्ज़ाम यानी उसने मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड में पास किया होगा, देन ओनली ही कैन अप्लाई. यहाँ पे भी कोई छूट नहीं है जैसे कि मैनेजर के पोस्ट में था. तो इसके बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन है क्लर्क के पोस्ट हैं. बालक ऑफ वैकेंसी 739. ग्रेजुएशन, बस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं. हाँ सॉरी, यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस उसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए 6 months, यानी कंप्यूटर की डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए 6 months की. और उसने भी एग्ज़ाम पंजाबी एग्ज़ाम लैंग्वेज का मैट्रिकुलेशन में पास होना ज़रूरी है इसमें. तो अनदर पोस्ट इज़ टाइपिस्ट. टाइपिस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपके पास 6 months का ये कोर्स होना चाहिए, एंड यू शुड हैव गुड कमांड ऑन पंजाबी लैंग्वेज. दैट मीन्स यू शुड हैव, यू मस्ट हैव क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम एट 10th level, राइट? और इसमें पंजाबी एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 60 words per minute, राइट? तो ये थे कुछ वैकेंसीज. अब हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो यहाँ पे मैंने ये कैंडिडेट्स को यानी मिनिमम स्कोर 40% लाना होगा टू क्वालिफाई द रिटन एग्ज़ाम ऑफ दिस बैंक, राइट? तो एससी के लिए तो उन्होंने मिनिमम रखा है 40%. और इसमें जो द क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट एससी के बगैर बाकी जितने भी कैटेगरी है उनके लिए 40% उन्हें रखा है. 40% आपको लाने होंगे. जो एसटी है, एससी है, उनके लिए 35% है. तो एप्लीकेशन फ़ी 1400 और एससी के लिए 700 ऑफ द फ़ी, ठीक है? अगर आप एक दो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो देन यू हैव टू सबमिट सेपरेट फॉर्म फॉर ईच पोस्ट, राइट? तो एज इसमें 18 to 37 है, ठीक है दोस्तों? और रिजर्वेशन इसमें अप्लाई होगी एज़ पर द पंजाब स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट? तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें बस आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा. बाकी हम रिटन एग्ज़ाम डिस्कस कर लेंगे. इसमें सिलेबस क्या है, पहले हम इसमें सैलरी सीनियर मैनेजर की 35,000 से स्टार्ट होगी, मैनेजर की 29 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की 25, टाइपिस्ट के लिए 21 एंड क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर 19,900, राइट? यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि जो भी आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ओएमआर शीट, आप ओएमआर शीट बेस्ड आपका क्वेश्चन ये पेपर होगा. तो पेपर में आपके 120 मिनट्स होंगे,
और इसमें पेनल्टी भी होगी 1/4 सर। ठीक है, तो इसका सिलेबस कुछ यूँ है, सिलेबस इस पे उन्होंने रखा है कि बैंकिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, कंप्यूटर में 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी का 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 और जनरल अवेयरनेस के 20, टोटल आपको 100 मार्क्स होंगे और आपके 2 आवर्स होंगे इसमें, राइट। तो इसमें कुछ एग्ज़ाम के जो पेपर, इसमें जो सिलेबस है कुछ इसकी डिटेल यू है। बैंकिंग के लिए आपके पास यानी बैंकिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस सेक्शन में पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, लिक्विडिटी रिजर्व मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस मैथमेटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, एडवांस्ड मनी, बैंकिंग के रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। कंप्यूटर में आपका आपका पूछा जाएगा मेमोरी के मुतालिक, नेटवर्क, ईमेल, इंटरनेट, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर लैंग्वेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रीजनिंग एबिलिटी के में वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल आपको पूछी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में HCF, LCM, सिंप्लीकेशन, डिसिम्बल, ठीक है, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, जनरल अवेयरनेस में भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने रखे यहाँ पे, करंट अफेयर्स के, बजट, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। और अब लास्ट का पोर्शन है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपका यही है कि रेरेंजमेंट, सेंटेंस जम्बलिंग होगी, सेंटेंस कॉरेक्शन एंड टेस्ट मॉडल, ये टेंस मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रोपोर्शंस, वेकेबलरी कंप्रेंशन, बाकी यहाँ पे तो हर एक पोस्ट के लिए मोर आर लेस सिलेबस इज सिमिलर, सो लिटिल बिट मॉडिफिकेशन इन IT, वहाँ पे उन्होंने IT का कुछ सेक्शन रखा, बाकी का तो यही है मोर आर लेस सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विद दोज हु रियली नीड इट, राइट।